Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of entomology, I am going to deliver my talk on sound production in insects. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, एंटोमोलॉजी की आज की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में इंसेक्ट में होने वाले साउंड प्रोडक्शन, ध्वनि उत्पादन पे मैं आपसे चर्चा करूँगा. लगभग सभी इंसेक्ट्स में साउंड का प्रोडक्शन होता है. कुछ इंसेक्ट में ये साउंड का प्रोडक्शन एक फिलोजेनी के रूप में एक इवोल्यूशन हुआ है स्पेशल तरीके से, और कुछ ऑर्डर के इंसेक्ट में इनमें इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि इस पर भी एक अलग व्याख्यान बनेगा, इवोल्यूशन ऑफ सॉन्ग, इवोल्यूशन ऑफ साउंड, इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन. लेकिन आज के इस व्याख्यान में अलग अलग इंसेक्ट में किन विधियों के द्वारा साउंड का उत्पादन होता है, ध्वनि का उत्पादन होता है, उस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा. इंसेक्ट में साउंड का जो प्रोडक्शन है वो मुख्यतया 5 विधियों के द्वारा संपादित होता है, जिसमें पहली टाइप है बाई प्रोडक्ट ऑफ सम एक्टिविटी, यानी बॉडी के जो क्रियाकलाप है. सेकंड जो टाइप है इसमें बाय इंपैक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट सबस्टेटम, इसमें शरीर का कोई भाग किसी बेसमेंट लेयर के साथ, किसी जमीन के साथ, किसी माउंड के साथ, किसी पेड़ की टहनी के साथ, बॉडी का जब कोई पार्ट उसके साथ जब टच होता है उसमें जो साउंड होती है, उत्पन्न होती है, उसको इस कैटेगरी में रखा है. और तीसरी जो मैकेनिज्म है वो है बाय फ्रिक्शन मैकेनिज्म, इसमें घर्षण के द्वारा जो साउंड उत्पन्न होती है उस कैटेगरी को इसके अंदर शामिल किया गया है. चौथी जो मैकेनिज्म है ये है बाय ए वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, इसमें कोई बॉडी की पतली क्यूटिकल होती है जो एक मेम्ब्रेन के रूप में काम करती है, और उस मेम्ब्रेन में हवा के आने जाने के कारण उसके अंदर वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, उस कंपन के कारण ये साउंड उत्पन्न होती है. और पांचवी जो टाइप है इसमें वो है बाई पल्स्ड एयर स्ट्रीम, जब कोई हवा का झोंका, हवा का जो प्रवाह होता है किसी टनल के द्वारा, किसी हॉलो चैनल के द्वारा, तो उसमें फिर सिटी के जैसी आवाज़ बनती है, व्हिसल के जैसी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, वो पल्स एयर स्ट्रीम के अंदर काउंट होती है. तो इस तरह 5 विधियों के द्वारा इंसेक्ट में साउंड का प्रोडक्शन होता है. इन सभी को मैं कवर करते हुए बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही संक्षेप में, एक समरी के रूप में मैं आपसे चर्चा करूंगा. पहली जो विधि है बाय प्रोडक्ट ऑफ सम एक्टिविटी. अब कोई भी एनिमल हो, सबके अंदर शरीर की एक्टिविटी रोजाना चलती रहती है. अब चूंकि इंसेक्ट है, ये हाईली इवॉल्व्ड इंसेक्ट है, और पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा वैरायटी के जो एनिमल हैं, सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी टाइप की जो है वेरिएशंस हैं, वो इंसेक्ट के अंदर ही देखने को मिलती हैं. और कीटों के अंदर जैसे फीडिंग के दौरान कीट जब भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं, फीडिंग कर रहे होते हैं, उसमें इनके अंदर साउंड का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि अलग अलग इंसेक्ट में फीडिंग हैबिट भी अलग अलग होती है. उसमें उसकी बेसिस पे इनके माउथ पार्ट्स भी हैं, जैसे बाइटिंग और चीविंग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं, काटने वाले, चबाने वाले. मच्छरों में जैसे पर्सिंग एंड सकिंग टाइप है, भेदने वाले, चूसने वाले. हनीबी में इसके अंदर जो घरेलू मक्खी होती है इसमें लपेटने वाले जैसे हैं. तो अलग अलग माउथ पार्ट होते हैं, तो उन माउथ पार्ट की अलग अलग एक्टिविटी होती है, और भोजन निकलने के दौरान उसके अंदर भी साउंड प्रोड्यूस होती है. हालांकि इस साउंड की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो उसकी हर्ट्ज कम होती है, कई बार अपने को सुनाई भी नहीं देती है, लेकिन जो हाई सेंसिटिव माइक्रोफोन होते हैं उसके अंदर इस वॉइस को रिकॉर्ड किया जा सकता है. इसी तरह क्लीनिंग के दौरान शरीर के कोई अंगों की जैसे सफाई करनी होती है, कई बार ये देखा होगा इंसेक्ट में अपनी एंटीना को वो टांगों के बीच में पकड़ के उसको ऐसे साफ करते हैं, क्योंकि इनकी टांगों में टॉयलेट ऑर्गेंस पाए जाते हैं, उसमें छोटे रोम का एक गुच्छा होता है, उस गुच्छे से एंटीना को वो साफ करते हैं. तो एंटीना के क्लीनिंग केस में इस तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है. इसके अलावा कॉपुलेशन केस में साउंड प्रोड्यूस होती है. तो अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है, और वो डेली जो एक्टिविटी है उसके द्वारा ये संपादित होती है. इसी तरह बटरफ्लाई है, मान लीजिए बटरफ्लाई, सपोज
अब बटरफ्लाई जो है वो मंद स्पीड से उड़ने वाले इंसेक्ट हैं, दे स्लो फ्लायर हैं। अब स्लो फ्लायर इंसेक्ट होते हैं तो उसमें आवाज़ सुनाई नहीं देती है, लेकिन कई बार देखा होगा अपने गर्मियों में दिनों में जब फ्लावरिंग होती है प्लांट्स के ऊपर, उसमें जाइलोकोपा जो है भ्रमर जिसको बोलते हैं अपन भंवरा, तो भंवरे के पंखों में वाइब्रेशन होता है और अपने को उसकी साउंड है वो 50 फीट दूर से सुनाई देती है। कई बार टिड्डियों का माइग्रेशन होता है, अभी 2-3 महीने पहले चूरू में अपने देखा होगा लोकस्ट का जैसे माइग्रेशन था और 20-20 लाख टिड्डियों का दल एक साथ आसमान में उड़ता है तो उसमें एक अजीब तरह की जो साउंड होती है वो अपने को सुनाई देती है। कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो साउंड प्रोड्यूस भी नहीं करते, कुछ इंसेक्ट पॉलन कलेक्शन के इसमें साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो शरीर की एक्टिविटी के दौरान जो साउंड उत्पन्न होती है वो साउंड इस फर्स्ट कैटेगरी में शामिल की जाती है, और ये इस तरह की जो साउंड है वो लगभग सभी कैटेगरी के इंसेक्ट में देखी जाएगी, क्योंकि फीडिंग तो सभी में होती है और फीडिंग जब भी होती है हैं तो उसमें चाहे उसकी तीव्रता कम हो सकती है, ज़्यादा तीव्रता हो सकती है, फ्लाइट के समय हो सकती है, कॉपुलेशन के समय हो सकती है, फाइटिंग के समय हो सकती है, तो इस तरह की जो वॉइस होती है उसको इस श्रेणी के अंदर रखा गया है। सेकंड जो टाइप है वॉइस कैटेगरी, ये है बाय इंपैक्ट ऑफ बॉडी पार्ट्स अगेंस्ट ए सबस्टेटम। इसमें शरीर के किसी हिस्से को किसी सबस्टेटम के साथ जब कॉन्टैक्ट में लाया जाता है उसमें इस ध्वनि का उत्पादन होता है, और इसके दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं, एक तो जैसे डेथवॉच बीटल और एक ये दीमक है ज़ूटर्मोप्सिस। अब डेथवॉच बीटल जो होती है ये इंसेक्ट क्या करते हैं कि जमीन में बिल बना के रहते हैं, पथरीली ज़मीन हो मैदान टाइप की तो उस ज़मीन के अंदर ये छोटा गड्ढा करके उसके अंदर ये जैसे रेस्टिंग करते हैं। अब कई बार ये इंसेक्ट जब बिल के अंदर एंटर करते हैं, अपने बर्रों में जब एंटर करते हैं तो ये अपने हेड को अपने बॉडी के एंटीरियर पार्ट को उस ज़मीन के साथ यूँ टक करते हैं, स्टिक करते हैं, टाइगर करते हैं तो उस दौरान ये ध्वनि का उत्पादन होता है। सपोज ब्लैक बोर्ड है मान लो, अब ब्लैक बोर्ड से चाक को जैसे मैं टच करूँगा तो यहाँ पर साउंड उत्पन्न होती है, तो इंसेक्ट सबस्टेटम के साथ जब टच करेंगे अपने बिल के अंदर एंटर करते समय उसमें इस तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह ये ज़ूटर्मोप्सिस जो है दीमक है जैसे, अब दीमक के आपने इनके जो घोंसले हैं देखे होंगे, कुछ दीमक तो है वो ज़मीन के अंदर टनल मिला के अपने नेस्ट कॉलोनी अपनी बनाती है, कुछ टर्माइट ऐसी हैं जो ज़मीन के ऊपर माउंड बनाती है। कभी आपका भरतपुर जाना हो, केवलादेव नेशनल पार्क में जाना हो तो वहाँ पर आपको 20-20 फीट के माउंड टर्माइट के माउंड हैं वो देखने को मिलेंगे, और उसमें लाखों की संख्या में दीमक जो होती है वो निवास करती है। तो ज़मीन के अंदर टनल बना के जो दीमक जो रहती है ये दीमक क्या करती है, वर्टिकल डायरेक्शंस में ज़मीन की जो सरफेस है यानी उस कॉलोनी की छत मान लो, ज़मीन के नीचे जो इनकी कॉलोनी है, इनके जो घर बने हैं उन घर की जो छत है रूफ है उस पर वर्टिकली है ये ट्राइगर करते हैं, टच करते हैं, और उस टचिंग के कारण ये साउंड प्रोड्यूस होती है। और इस तरह की साउंड इनके लार्वा के द्वारा भी डेवलप होती है, प्यूपा के द्वारा भी डेवलप होती है, अडल्ट के द्वारा भी डेवलप होती है, और विशेषकर जो इनके जो सैनिक जो होते हैं वर्कर्स मान लीजिए, सोल्जर्स मान लीजिए, वो इंसेक्ट इस तरह की साउंड है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो बॉडी के किसी पार्ट का किसी सरफेस के साथ किसी सबस्टेशन के साथ टच होने के कारण जो साउंड उत्पन्न होती है वो इस सेकंड कैटेगरी के अंदर रखी जाती है, और इसके दो एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर, एक तो इसमें डेथवॉच बीटल और सेकंड एग्जांपल है ज़ूटर्मोप्सिस जो कि एक तरह की दीमक है। तीसरी जो टाइप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाय फ्रिक्शन मैकेनिज्म यानी घर्षण के द्वारा, जब बॉडी के दो पार्ट के बीच में कोई घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ है सपोज, अब इन हाथों को मैं जैसे ही रब करूँ हथेलियों को तो यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो रही है, अब इंसेक्ट जो होते हैं इनके अंदर विंग्स जो होते हैं मेनली इनके पंखों में और इनकी टांगों की जो फीमर होती है उसके अंदर इस तरह की डिवाइसेस पाई जाती है। अब पंख जब खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं तो इनमें क्या होगा, एक पंख में तो आरी की जैसी स्ट्रक्चर होती है, आरी नहीं ये जो रेती जो होती है अपने धार करने की जो रेती होती है फाइल जिसको बोलते हैं, तो आरी की जैसी रचना है, और दूसरे पंखों के ऊपर यों उभार और खांच जैसी यानी दांतेदार रचनाएँ होती है जिसको स्क्रैपर बोलते हैं।
तो एक पंख में फाइल होती है, एक पंख में स्क्रैपर होती है। अब फाइल और स्क्रैपर जब आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो उसके दौरान ये साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। तो ये इस तरह की जो साउंड प्रोडक्शन है ये काफ़ी स्पीसीज स्पेसिफिक है और इसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस है और हज़ारों की संख्या में रिसर्च पेपर इस तरह की साउंड प्रोडक्शन मैकेनिज्म पे प्रोड्यूस हो चुके हैं। सैकड़ों पीएचडी कार्य इसमें संपन्न हो चुका है और अपने इंडिया में भी विशेषकर जो गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एकोस्टिक बिहेवियर पे रिसर्च चलती है, बर्ड्स के ऊपर, इंसेक्ट के साउंड प्रोडक्शंस पे। तो वहाँ पर कभी आपका जाना हो तो वहाँ पर प्रोफेसर दिनेश भट्ट हैं, उनके अंडर में इस तरह का रिसर्च वर्क चलता है एकोस्टिक बिहेवियर पे। और फ्रिक्शन मैकेनिज्म के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होती है ये मुख्यतः तीन ऑर्डर में हाईली डेवलप्ड है। एक तो ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा, ऑर्डर हिट्रोप्टेरा और ऑर्डर कॉलियोप्टेरा। इन तीनों ऑर्डर में किस किस विधि से साउंड प्रोड्यूस होती है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा के अंदर, ऑर्थोप्टेरा में जो ध्वनि का जो उत्पादन होता है ये दो विधियों के द्वारा होता है, या इसमें दो तरह की डिवाइसेस पाई जाती है। पहली जो डिवाइस है वो तो है एलिट्रॉल स्टेडुलेशन, एलिट्रॉल यानी एलेक्ट्रॉन। इंसेक्ट में पंखों के अलग अलग नाम होते हैं, टेगमिना है जैसे, एलिट्रॉन है, हाल्टर्स हैं, स्यूडो हाल्टर्स हैं। तो इन ऑर्थोप्टेरा के सदस्यों के अंदर एलिट्रॉन पाई जाती है, पंख जो है, तो एलिट्रॉन के आपस में स्टेडुलेशन के कारण जो ध्वनि उत्पादन होती है। इसी सेकेंड जो टाइप है इसमें फीमरो एलिट्रॉल स्टेडुलेशन, यानी फीमर और एलिट्रॉन के बीच में घर्षण होने से जो ध्वनि उत्पन्न होगी। तो फर्स्ट टाइप एलिट्रॉल स्टेडुलेशन, और एलिट्रॉल स्टेडुलेशन में दो एग्जांपल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक तो ग्राइलोइडिया जिसके अंदर ग्राइलस होती है, और टैटिगोनोइडिया, इन दोनों के एग्जाम्पल मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। ग्राइलोइडियम क्या होता है कि इन इंसेक्ट में राइट साइड की जो इलेक्ट्रॉन है दाहिना पंख, उसकी लोअर सरफेस में रेती पाई जाती है, और लेफ्ट इलेक्ट्रॉन जो होती है उसकी ऊपरी सरफेस के ऊपर स्क्रैपर पाया जाता है। तो ये मान लीजिए हाथ है, सपोज मेरा दाहिना हाथ है इसको आप राइट इलेक्ट्रॉन मान लो, और बायां जो हाथ है इसको लेफ्ट इलेक्ट्रॉन मान लो। अब दाहिने हाथ की जो हथेली है यहाँ पर तो फाइल प्रेजेंट है, यानी रेती की जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और बायां जो हाथ है इसकी ये डोर्सल सरफेस के ऊपर स्क्रैपर प्रेजेंट है। अब ये इंसेक्ट क्या करते हैं, इनका जो राइट साइड का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रॉन के ऊपर यूँ ढका रहता है, यानी अतिव्यापित हो रहा है, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है। अब ये इंसेक्ट जब पंखों को यूँ खोलते हैं, बंद करते हैं, तो राइट साइड के इलेक्ट्रॉन की फाइल लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रॉन के स्क्रैपर के साथ ये रब करती है, घर्षण करती है, और इस घर्षण के द्वारा ये साउंड प्रोड्यूस होती है। और इस साउंड की जो इंटेंसिटी है ये 40 हर्ट्ज से लेके 4000 हर्ट्ज तक हो सकती है। इस तरह की जो साउंड होगी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है, क्योंकि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जब कम होता है उसमें इंसेक्ट ये स्लगिश होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, बॉडी की एक्टिविटी स्लो हो जाती है। अभी सर्दियों में जैसे आपने देखा होगा, आप सर्दियों में शाम के समय खेतों में जाइए आपको क्रिकेट की साउंड सुनाई नहीं देती है, लेकिन जो ही फरवरी मार्च का महीना आएगा, दिन बढ़ने लग जाएंगे, तापमान बढ़ने लग जाएगा, तो उसमें नाइट के समय इन झिंगूर की जो आवाज़ होती है वो अपने को सुनाई देती है। तो ये राइट इलेक्ट्रॉन लेफ्ट इलेक्ट्रॉन पे ओवरलैप है, राइट इलेक्ट्रॉन की लोअर सरफेस के ऊपर फाइल प्रेजेंट है, लेफ्ट इलेक्ट्रॉन के अपर सरफेस के ऊपर स्क्रैपर प्रेजेंट हैं, और इन इलेक्ट्रॉन के इस तरह क्लोज होने से, बंद होने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो इस कैटेगरी में आती है। अब इसमें पंख जब खोलते हैं उसमें भी साउंड प्रोड्यूस होती है, पंख जब बंद होते हैं उसमें भी साउंड प्रोड्यूस होती है, लेकिन पंखों के बंद होने के दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसका जो डेप्थ जो है, ऑसिलोग्राम जो है वो काफ़ी छोटा होता है। पंखों के खुलने के समय साउंड प्रोड्यूस होती है वो इतने इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। कई बार क्या होता है कि इसी ग्राइलोडिया में कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जैसे ग्राइलोटाल्पा। अब ये ग्राइलोटाल्पा क्या करते हैं, ये जमीन के अंदर इस तरह का ये टनल बना लेते हैं, और इस टनल में एक तरफ से जैसे हवा एंटर करती है, एक तरफ से हवा बाहर निकलती है।
तो हवा जहाँ से एंटर कर रही है वहाँ पर तो जो अपर्चर है वो थोड़ा छोटा है, यानी उसका डायमीटर कम है, और हवा जिस अपर्चर से बाहर निकल रही है उसका अपर्चर थोड़ा चौड़ा होता है, और इसमें दो अपर्चर है, डबल हॉर्न। तो जिस तरह ये बैंड बाजे में जो बाजे जो बजाते हैं, आपने देखा होगा बाजा बजा रहे हैं और उसका जो भोंपू है वो आगे जाके जैसे चौड़ा होता है, उसके अंदर साउंड एम्प्लीफाई हो जाती है, आवाज़ का उसमें प्रवर्धन हो जाता है, एम्प्लीफिकेशन हो जाता है, उसी तरह की मैकेनिज्म ये जो इंसेक्ट है ये करते हैं ग्राइलोटल्पा। और इसमें आप देख रहे हो ये जैसे ज़मीन के अंदर ये टलन बनाई है, ये दो हॉर्न है और इन हॉर्न का डायमीटर आप देख रहे हो इसके इनहेलेंट साइफन की तुलना में बहुत बड़ा है। और इसमें जो इंसेक्ट है ये ग्राइलोटल्पा, इसका जो माउथ होगा इससे हवा प्रवेश करने वाले छिद्र की तरफ होगा। अब इस टनल से हवा इसके अंदर एंटर करेगी, हवा एंटर करेगी और ये इंसेक्ट अंदर क्या करता है, अंदर अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरह ये करता रहता है। तो हवा इसके इलेक्ट्रॉन के दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में से पास होती है, और हवा पास होती है तो उस साउंड की क्वालिटी है वो थोड़ी मॉडिफाई हो जाती है। जिस तरह हारमोनियम में आपने देखा होगा, हारमोनियम एक तरफ से अपन हवा देते हैं और उसके अंदर जो रीड लगी होती है, सीटियाँ लगी होती है अलग अलग डायमीटर की, और उन सीटियों से हवा निकलती है और बटन जब अपन दबाते हैं तो अलग अलग तरह के सारे गामा पा अलग अलग तरह की साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। तो उसी तरह की टेक्निक इस इंसेक्ट में पाई जाती है। तो हवा इधर से एंटर करेगी और इनके दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में से पास होके ये बड़े एक्सपोनेंशियल जो हॉर्न है इनके द्वारा ये बाहर निकलती है, और ये साउंड यहाँ पर मान लीजिए इसकी फ्रिक्वेंसी कम है, इसकी एम्पलीट्यूड कम है, तो आउटपुट जो निकलेगी है वो ध्वनि जो है आवर्धित होकर निकलती है। तो साउंड का एम्पलीफिकेशन जो होता है वो भी इंसेक्ट में पाया जाता है, और काफ़ी हाईली डेवलप्ड ये मैकेनिज्म है। अब टैटिकोनोइडिया में जो इंसेक्ट है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन का ये जो स्टिड्यूलेशन होता है, लेकिन टैटिकोनोइडिया में क्या होगा, जैसे पहले वाले केस में तो राइट इलेक्ट्रॉन लेफ्ट इलेक्ट्रॉन पे ओवरलैप था, यानी दाहिनी साइड का जो इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर ओवरलैप था। अब इस टैटिकोनोइडिया में उल्टा है, टैटिकोनोइडिया में क्या होगा, इसमें लेफ्ट साइड का जो इलेक्ट्रॉन है यानी बायां पंख वो दाहिने पंख के ऊपर ओवरलैप है। पहले वाले केस में तो दाहिना पंख राइट साइड पे ओवरलैप था, टैटिकोनोइडिया में बायां पंख दाहिने पंख पे ओवरलैप है। अब इसमें बायां जो पंख है इसके नीचे फाइल है यानी रेती की जैसी स्ट्रक्चर, और दाहिना पंख है इसके ऊपर स्क्रैपर प्रेजेंट है। तो बायां पंख दाहिने पंख के ऊपर इस तरह जब रब करेगा, फ्रिक्शन करेगा, तो उसके अंदर ये साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ये साउंड दिन के समय अलग अलग टाइप की हो सकती है, मेल फीमेल में अलग अलग हो सकती है, और हर साउंड का अपना अपना कोई ना कोई इसका सिग्निफिकेंस होता है। ये साउंड चेतावनी देने वाले भी हो सकती है, अपोजिट सेक्स के मेंबर को अट्रैक्ट करने के लिए भी हो सकती है, एग्रेशन के लिए भी हो सकती है, वार्निंग के लिए भी हो सकती है, कॉर्टशिप के लिए हो सकती है, आइसोलेशन के लिए हो सकती है। तो कई तरह की साउंड एक इंसेक्ट के अंदर ये डेवलप होती है। हर साउंड का अपना अपना मीनिंग है, इसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आजकल इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं साउंड एनालाइजर, उसमें इसका ऑसिलोग्राम है वो डेवलप होता है, और एक बहुत अच्छी क्वालिटी की रिसर्च इन इंसेक्ट के साउंड प्रोडक्शंस पे डेवलप हो सकती है। तो ये इलेक्ट्रॉन स्टिड्यूलेशन के दो मैकेनिज्म मैंने आपसे शेयर करी। सेकेंड टाइप है फीमरो इलेक्ट्रॉन स्टिड्यूलेशन। अब इसमें नाम से स्पष्ट है फीमरो यानी टांगों की फीमर और इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर फीमर और इलेक्ट्रॉन के बीच में घर्षण होगा और उस घर्षण के कारण ये साउंड प्रोड्यूस होती है। अब इस डायग्राम में आप देख रहे हो ये जैसे टांगों की फीमर है और इस फीमर के ऊपर ये दांतेदार रचनाएं हैं, है रॉज ऑफ स्टिड्यूलेटिंग ऑर्गन्स। अब ये दांतेदार जो रचनाएं होती है ये क्या करेगी, पंख जो होते हैं पंख जब सिमटेंगे तो वो उसके अंदर इस तरह रिजेज और फर्रोज पाए जाते हैं, उहार और फांच, क्योंकि पंखों में कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्केव सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्केव सरफेस है। तो यहाँ पर ये फीमर के ये जो दांतेदार जो रचनाएँ होती है ये पंखों का जो रिज और फर्रोज है उसके ऊपर ये सारंगी की तरह यूँ रब करते हैं। जिस तरह भोगों में रावण हत्या को आपने देखा होगा उसमें वो घोड़ी के बाल का जो तारों के साथ यूँ रब करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है,
उसी तरह ये इंसेक्ट भी अपने फीमर को एलिट्रॉन के साथ यूँ स्टिम्युलेट करते हैं, रब करते हैं सारंगी की तरह और वॉयलिन की तरह, और इसके अंदर ये साउंड प्रोड्यूस होती है। ये साउंड जो है जाति विशिष्ट होती है और इसका कई तरह का पर्पज है। इसका कॉपुलेशन में इसका यूज है, कार्टशिप में इसका यूज है, कम्युनिकेशन में इसका यूज है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है एस्पेक्ट है इस इंसेक्ट के अंदर ये छिपा हुआ है। तो ये तो चर्चा होगी अपने ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा के सदस्यों में होने वाले ध्वनि उत्पादन। अब नेक्स्ट ऑर्डर है हिट्रोप्टेरा। हिट्रोप्टेरा में दो एग्जांपल मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, एक तो क्लिडोसेरिज और दूसरा एग्जांपल है कॉरेनस। क्लिडोसेरिज में क्या होगा, अब इसमें हिट्रोप्टेरा, अब हिट्रोप्टेरा में नाम से स्पष्ट है ऑर्डर जैसे होमोप्टेरा, हिट्रोप्टेरा होमोप्टेरा में तो क्या है दोनों पंख जैसे इक्वल होता है, दोनों पंखों की शेप और साइज लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर है, लेकिन हिट्रोप्टेरा में दोनों पंखों की लंबाई है वो एक जैसी नहीं है। तो यहाँ पर पीछे वाले जो पंख है यानी पोस्टीरियर जो हाइंड विंग है, इन पोस्टीरियर हाइंड विंग में ये धारीदार रचनाएँ पाई जाती है, स्ट्रीटेड रचनाएँ पाई जाती है, रेती के समान ये रचनाएँ पाई जाती है। और नोटम जो होता है, नोटम या टर्गम मान लो, क्यों इंसेक्ट का जो बॉडी प्लान है उसमें डोर्सल सरफेस पे टर्गम है, वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम है और लेटरल साइड में उसमें प्लूरोन होती है। और थोरेक्स का जो टर्गम होता है उसको नोटम भी बोलते हैं, प्रोथोरेक्स में प्रोनोटम, मीजोथोरेक्स में मीजोनोटम, मेटाथोरेक्स में मेटानोटम, लेकिन एब्डोमन का जो टर्गम होगा उसको टर्गम ही बोलेंगे, उसको नोटम नहीं बोलेंगे। तो इन इंसेक्ट में क्या होता है कि थोरेक्स का जो नोटम है यानी टर्गम, उस टर्गम के ऊपर स्क्रेपर जैसी रचनाएं हैं और एलिट्रॉन जो है इस एलिट्रॉन की वेंट्रल सरफेस के ऊपर इस तरह ये उबड़ खाबड़ रचनाएं हैं, है, स्टेटेड रचनाएं हैं। अब ये इंसेक्ट जब रेस्ट करते हैं तो उसमें इनके जो पंख होते हैं वो इस नोटम की सरफेस के ऊपर क्या है फ्रिक्शन करते हैं, घर्षण करते हैं और उसके दौरान इसमें साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो ये इस क्लिडोसेरिज का ये एग्जाम्पल है। और कॉरेनस, इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। इस इंसेक्ट में क्या होगा, आगे वाली जो टांगे हैं यानी प्रोथोरेसिक लेग, जैसे ये मान लीजिए लेफ्ट साइड की है, ये राइट साइड की है, तो इन दोनों प्रोथोरेसिक लेग के बीच में आप ये देख रहे हो ये रेती की संरचना है। ये दोनों टांगे हैं लेफ्ट साइड की राइट साइड की, और दोनों टांगों के बीच में ये आरी की जैसी रचना है, ये सॉरी रेती के समान रचना है। और इसके हेड के अंदर ये रोस्ट्रम है, माउथ पार्ट से एक तरह का। अब ये रोस्ट्रम को इस फाइल के ऊपर क्या रगड़ते हैं, जिस तरह मान लीजिए सपोज मान लो ये रोस्ट्रम है, सपोज ये मान लीजिए दोनों जैसे टांगे हैं, दोनों जैसे टांगे हैं मान लो, और इन टांगों के बीच का जो पार्ट है यहाँ पर मान लीजिए कोई रेती की जैसी स्ट्रक्चर हो सपोज, और अब इसके रोस्ट्रम जो होंगे वो इस रेती भी क्या करते हैं यो ऊपर नीचे इस तरह यो रब करते हैं। तो रोस्ट्रम को इस आरी के ऊपर ये जब ये इस तरह रगड़ेंगे तो उसके दौरान ये साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। ये घटना ठीक उसी तरह होती है जैसे बाल बहाने की जो कंघी होती है, उस कंघी पे आप अंगूठे को इस तरह आप ले जाओ लेफ्ट टू राइट, तो आप देखते हो एक एक दांता, कंघी का एक एक दांता बेंड होता जाता है, वापस नॉर्मल होता जाता है। तो जिस तरह कंघी के दांतों पे आप अंगूठा यूँ फेरो लेफ्ट टू राइट तो एक एक दांते की साउंड प्रोड्यूस होगी, उसी तरह की साउंड इस इंसेक्ट में पैदा होती है। तो ये अपने रोस्ट्रम को क्या करते हैं, इस दोनों अगर टांगों के बीच में जो रेती की जैसी रचना है फाइल है इसके ऊपर ये इस तरह ये रब करते हैं और इस रबिंग के दौरान इसके अंदर ये साउंड प्रोड्यूस होती है। और इसमें आप देख लो ये रोस्ट्रम है, दोनों देख लो नुकीले हैं और ये रोस्ट्रम इस रेती के ऊपर ऊपर नीचे होंगे तो इसके अंदर ये साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह का साउंड प्रोडक्शन जो है ये ऑर्डर हिट्रोप्टेरा के सदस्यों में पाया जाता है। इसके बाद में कोलियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा भी एक बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर है और इसके अंदर जितनी भी बीटल्स हैं, है, चाहे वो ब्लिस्टर बीटल हो, चाहे डंग बीटल्स हो, अपने चूरू में भी कम से कम 100 वैरायटी की बीटल्स हैं वो देखने को मिलती है। और इनमें पर्टिकुलर फैमिली है जैसे कैरेबिडी फैमिली है, सपोज स्कैरबिडी फैमिली है, करक्यूलियोनिडी फैमिली है, इन फैमिली के जो इंसेक्ट होंगे उनके अंदर साउंड प्रोडक्शंस की ये मैकेनिज्म पाई जाती है। अब इनसे इंसेक्ट में क्या होगा, बीटल्स में क्या होता है कि पिछली जो टांगे होती है
तीन जोड़ी टांगे होती है इंसेक्ट में, फोर लेग, मिडिल लेग, हाइंड लेग। और बीटल्स में क्या होता है कि हाइंड लेग जो होती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। हाइंड लेग चलने में ज़्यादा काम नहीं आती है, वॉकिंग पर्पज में उसका कोई ज़्यादा पर्पज सॉल्व नहीं होता है। और इन हाइंड लेग रिड्यूस जब हो जाती है तो इन टांगों की जो कोक्सा के बाद में फीमर वाला जो पार्ट है वो इस तरह आप देख रहे हो दांतेदार रचनाएं बन जाती है, जिस तरह मैंडिबल की स्ट्रक्चर है मैंडिबल के जैसी स्ट्रक्चर इनकी टांगों में बन जाती है। और ये टांगे फिर इलेक्ट्रॉन के साथ रब करती है तो उसके अंदर साउंड का प्रोडक्शन होता है। इसी तरह इस फिगर में आप देख रहे हो ये मिडिल लेग है, ये तो हाइंड लेग है, हाइंड लेग तो एकदम रिड्यूस्ड हो जाती है, उसका लोकोमोशन का कोई पर्पज़ नहीं है। मिडिल लेग जो होती है ये लोकोमोशन भी करती है और लोकोमोशन के साथ साथ ये साउंड भी प्रोड्यूस करती है। तो मिडिल लेग में कोक्सा वाला जो पार्ट है उस कोक्सा वाले पार्ट में इस तरह ये रेती के समान रचना जो है वो बन जाती है, फाइल के समान रचना बन जाती है। और ये स्ट्रक्चर जब इलेक्ट्रॉन के साथ रब करती है या बॉडी के और किसी पार्ट के साथ जब फ्रिक्शन करती है, घर्षण करती है, तो उसमें इनमें साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो ये तीसरी टाइप की साउंड प्रोडक्शन की विधि बाई फ्रिक्शन मैकेनिज्म और हाईली डेवलप्ड मैकेनिज्म है। ये जो पांच वैरायटी मैंने बताई है उनमें सबसे ज़्यादा वैरायटी, सबसे ज़्यादा इवोल्यूशन, सबसे ज़्यादा वेरिएशन, सबसे ज़्यादा पैटर्न और अलग अलग तरह की वॉइस, अलग अलग की साउंड इस कैटेगरी के द्वारा प्रोड्यूस होती है। अब चौथी मैकेनिज्म है बाई वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, यानी किसी झिल्ली के कंपन के द्वारा बाई वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन। और इस तरह की जो साउंड होती है ये मेनली होमोप्टेरा के सदस्यों में, सच टाइप ऑफ साउंड प्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ होमोप्टेरा, हिट्रोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा के सदस्यों में भी इस तरह की विधि है वो पाई जाती है। अब इन इंसेक्ट में क्या होगा, जैसे बॉडी की डॉर्सल सरफेस टॉर्गम है, वेंट्रल सरफेस स्टर्नम कहलाती है और लेटरल साइड जो होती है ये प्लूरोन्स कहलाती है। तो कई बार क्या होता है इंसेक्ट में कुछ एरिया में विशेषकर डॉर्सो लेटरल साइड में, यानी पृष्ठ पार्श्व सतह की जो क्यूटिकल होती है वो बहुत पतली होती है, एकदम मेम्ब्रेन के जैसी, अदरवाइज तो क्यूटिकल क्या है बहुत मोटी है। हर क्यूटिकल में एपिक्यूटिकल है, प्रोक्यूटिकल है, एक्सोक्यूटिकल है, एंडोक्यूटिकल है, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। लेकिन कई बार क्या होता है डॉर्सो लेटरल सरफेस की जो क्यूटिकल है बहुत ही पतली हो जाती है। अब पतली क्यूटिकल है तो एक तरह से वो झिल्ली का एक तरह से पार्श्वमेंट मेम्ब्रेन का काम करती है, उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, उसके अंदर कंपन की कैपेसिटी होती है, उसके अंदर वाइब्रेशन हो सकता है। अब इन इंसेक्ट में हीमोसील भी प्रेजेंट है और जगह जगह इसमें एयर सैक्स भी है। और एयर सैक जो होते हैं ये एक्चुअल में ट्रेकियल सिस्टम का ही पार्ट है, क्योंकि हर इंसेक्ट में आप देखते हो थोरेक्स से लेकर एब्डोमन तक लेटरल साइड में स्पाइरिकल्स प्रेजेंट है। और स्पाइरिकल एल्वियोलर टाइप के भी हो सकते हैं, वाल टाइप के भी हो सकते हैं, और स्पाइरिकल फिर छोटे चैनल के द्वारा खुलते हैं और चैनल का जो डायलेटेड जो पार्ट होता है उसको वायु कोष के नाम से या एयर सैक के नाम से जाना जाता है। और ये जितना भी स्पाइरिकल से निकलने वाली जो कैनाल हैं ये फिर लॉन्गिट्यूडिनल ट्रंक के द्वारा भी आपस में कनेक्ट रहती है, जिसमें लेटरल ट्रंक भी होता है, डॉर्सल ट्रंक भी होता है, बॉडी में वेंट्रल ट्रंक भी होता है। डॉर्सल ट्रंक है वो डॉर्सल कमीसर से जुड़ा रहता है, वेंट्रल ट्रंक जो होता है वो वेंट्रल कमीसर से जुड़ा रहता है। और इसके अंदर एपोडिम्स, एपोडिम जो है एक तरह के एंडोस्केलेटन है विशेषकर टर्गम वाले रीजन में। तो इसमें क्या होता है कि दो बॉडी के सेगमेंट जहाँ जॉइंट होते हैं उन जॉइंट के ऊपर क्या होता है इन्वेजिनेशन हो जाता है, यानी दो स्क्लाइड जहाँ मिल रहे हैं उनके बीच में सूचर प्रेजेंट है और इन इन्वेजिनेशन से जो बनने वाली जो रचना है इस रचना को एपोडिम के नाम से जाना जाता है। एपोडिम एक तरह के अंतः कंकाल है और एपोडिम जो होते हैं ये मांसपेशियों के अटैचमेंट साइट होती है। बॉडी की जितनी भी मांसपेशियाँ होती है विशेषकर जो स्केलेटन मसल्स हैं वो स्केलेटन मसल्स इस एपोडिम के साथ ही कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर ये मसल है एक जैसे टिम्बल मसल्स, तो लॉन्गिट्यूडनल होती है, काफ़ी मजबूत होती है, काफ़ी बड़ी साइज की होती है और ये टिम्बल मसल जो होती है वो इस एपोडिम के साथ ही कनेक्ट रहती है।
तो यहाँ पर तीन एपोडी मैंने दिखाए, दो ये डॉर्सल लेटरल सरफेस के ऊपर, एक ये मिड वेंट्रल सरफेस के ऊपर। और इस टिम्बल मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, टिम्बल मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऊपर का टर्गम वाला जो पार्ट है वो नीचे की तरफ आता है। अभी ऊपर का पार्ट जब नीचे आता है तो एयर सैक पे प्रेशर पड़ता है, एयर सैक पे प्रेशर पड़ता है तो ये वायु फिर स्पाइरिकल्स के द्वारा बाहर खुलती है। तो जिस तरह पुराने टांगे जो होते थे, गाड़ियाँ जो होती थी बैलों की, उसके ऊपर वो देखा भोंपू लगाया रहता है, तो पुराने टांगे, अब तो खैर टांगों का प्रश्न लगभग खत्म सही है, लेकिन उसमें हॉर्न लगा होता था आगे, एक्सपोनेंशियल वो लगा हुआ है, हॉर्न लगा है, उसके पीछे रबर का बैलून टाइप है, उसको दबाते हैं, दबाने से क्या होता है साउंड प्रोड्यूस होती है। तो उसी तरह की विधि इस इंसेक्ट में होती है। तो साउंड मसल से कॉन्ट्रैक्ट होगी, साउंड बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी तो साउंड का प्रोडक्शन होगा। ये मसल जब वापस रिलैक्स होगी, रिलैक्स होगी तो एयर सैक फिर वापस फूल जाता है और स्पाइरिकल के द्वारा हवा उसके अंदर क्या है एंटर कर जाती है। तो यहाँ पर झिल्लियों के द्वारा कंपन होता है, झिल्ली झिल्ली तो क्या है ये क्यूटिकल का ही पार्ट है, लेकिन पतली क्यूटिकल है, वो एक तरह से मेम्ब्रेन का काम करती है। और ये स्ट्रक्चर ठीक उसी तरह है जिस तरह गाँव के बच्चे ये जो भूनिया जो होता है, रील जिसको बोलते हैं, धागे की रील, धागा निकालने बाद में जो खोखला पाइप जो बसता है उस पाइप के ऊपर वो पतली चादर चिपका लेते हैं, कई बार मकड़ी का जो जाला होता है वाइट, उस वाइट जाले को चिपका लेते हैं और फिर माउथ से उसको बजाते हैं, बजाते हैं तो मकड़ी के जाले की झिल्ली है वो इस तरह कंपन करती है, वाइब्रेट होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। तो गांव के छोटे बच्चे होते हैं वो लोकगीतों को, उनकी मस्ती का अपना अलग ही आलम होता है और वाइब्रेशन के द्वारा वो साउंड है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसी तरह की मैकेनिज्म ये पाई जाती है। और सिकाडा इंसेक्ट जो होता है, इसको भीमरी भी बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, भीमरी। और शाम के समय यदि आप खुले मैदानी क्षेत्रों में आप जाओ तो वहाँ पर आपको सिकाडा जो है वो देखने को मिल जाएगी, और उसमें इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होती है उस साउंड को आप बाकायदा सुन सकते हो। तो सिकाडा के अंदर इस विधि के द्वारा ध्वनि का उत्पादन होता है। और इस तरह की जो रचनाएँ होती है इसको टिम्बल ऑर्गेन के नाम से जाना जाता है। इसको सपोर्ट करने वाली जो मांसपेशियाँ हैं ये टिम्बल मसल्स कहलाती है। और इस टिम्बल के अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर जैसे पतली क्यूटिकल है, इसके अंदर ईयर सैक हैं, इसके अंदर स्पाइरिकल्स के द्वारा होने वाला हवा का जो आदान प्रदान है, और टिम्बल मसल्स हैं, इन सभी का कलेक्टिव एक्शन इसके अंदर होता है। तो जैसे वो भोंपू बजाते हैं, कई बार ये देखा होगा छोटे बच्चों के जूते जो होते हैं उसके अंदर वो सीटी बजती है, पीपली बजती है, तो छोटे बच्चे जब चल रहे होते हैं तो बॉडी के प्रेशर से वो जूते का सोल दबता है, फिर वो एडी उठाते हैं तो फिर वो आवाज़ निकलती है। तो छोटे बच्चे जब चलते हैं तो उनके जूतों के अंदर भी इस तरह की मैकेनिज्म है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसका। और लास्ट जो मैकेनिज्म है वो है पल्स्ड एयर स्ट्रीम। इसमें हवा का झोंका, जैसे कई बार आपने देखा होगा ये जंगलों में, जैसे आप नाइट के समय एक रात यदि आप जंगलों में गुजारो, और विशेषकर बांस के जो खेत होते हैं, और मान लीजिए कोई खोखला बांस का, जैसे हॉरिजॉन्टल बांस है सपोज कोई, अब उस खोखले बांस में से हवा एंटर करेगी, दूसरी तरफ से हवा निकलेगी, हैं तो आपको अजीब तरह की जो साउंड है उसके अंदर प्रोड्यूस होती है। बंसुरी है, बंसुरी भी इसी तरह की सिस्टम है। तो कुछ इंसेक्ट में क्या होता है कि इंस्पायरेशन के दौरान हवा जैसे अंदर आ रही है ना, बकल कैविटी के द्वारा, प्रोबोसिस के द्वारा, और ये हवा फिर क्या है बाहर निकलती है। तो पल्स एयर स्ट्रीम, तो इंस्पायरेशन जब होगा उसमें तो क्या होता है कि प्रोबोसिस या हॉरिजॉन्टल रहता है, और जब एक्सपायरेशन होता है प्रोबोसिस वर्टिकल हो जाता है। तो इंस्पायरेशन के दौरान आप देख रहे हो ये प्रोबोसिस है, ये हॉरिजॉन्टल है, और एक्सपायरेशन के दौरान यही प्रोबोसिस वर्टिकल हो गया। तो ये प्रोबोसिस हॉरिजॉन्टल है फिर ये वर्टिकल होगा। अब इसी दौरान हवा इसके अंदर एंटर कर रही है, हवा बाहर निकल रही है, तो हवा एंटर कर रही है, हवा बाहर निकल रही है, और इसका जो डायमीटर है इस कैविटी का, डायमीटर कम और ज़्यादा होगा उसी के हिसाब से साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो ये पल्स एयर स्ट्रीम की जो मैकेनिज्म है ये उसी तरह है जैसे आप माउथ से जैसे सीटी बजाते हो, अब जैसे होठों का मैं
अब होठों के बीच में डायमीटर को कम ज़्यादा करके है मैं कम और ज़्यादा तीव्रता की वॉइस प्रोड्यूस कर सकता हूँ, विसल प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो पल्स से एयर स्ट्रीम जो है एक तरह से विसल प्रोडक्शंस का ये एग्जांपल है। तो ये पांच बेसिक मैकेनिज्म इंसेक्ट के अंदर पाई जाती है साउंड प्रोडक्शंस की। और लास्ट में इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, ये भी एक इसी का एक अनटस्ट वैल्यू है। तो इंसेक्ट में साउंड प्रोडक्शन जो है उसका महत्व एक ही जाति के दो सदस्यों के बीच में हो सकता है, जिसको इंट्रा स्पेसिफिक बोल सकते हैं अपन, और अलग अलग जाति के सदस्यों के बीच में भी इन साउंड का इस्तेमाल हो सकता है, उसको इंटर स्पेसिफिक के रूप में अपन मान सकते हैं। तो साउंड प्रोडक्शन का जो सिग्निफिकेंस है वो इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है। और इसका जो मेनली जो पर्पज है वो जैसे कॉर्टशिप के दौरान इंसेक्ट में जब प्रणय व्यवहार जब होता है लैंगिक प्रजनन के समय ब्रीडिंग सीजन में, तो इसमें क्या होता है कि विशेषकर जो ग्रास होपर्स हैं जैसे हाउस क्रिकेट हैं, तो इसके अंदर नर के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसी पिच की साउंड है फीमेल के द्वारा प्रोड्यूस होती है। और फीमेल जब सेक्सुअली मैच्योर होती है वो रिसेप्टिव कंडीशंस में होती है, उसकी हार्मोनल लेवल है ब्लड के अंदर जब प्रॉपर लेवल में होता है उसमें उसी तीव्रता की साउंड है वो फीमेल भी प्रोड्यूस करती है। तो मेल साउंड प्रोड्यूस करता है, फीमेल भी साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ये कॉपुलेशन से पहले का बिहेवियर है, इसको कॉर्टशिप बिहेवियर बोलते हैं। तो कॉर्टशिप के दौरान इंसेक्ट के अंदर ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। और ये जो आवाज़ है इसमें एक फॉर्मूला है CCAA, इसको आप याद रखो CCAA, सी फॉर कॉर्टशिप साउंड, सी फॉर कॉलिंग साउंड, सी फॉर कॉपुलेशन साउंड, ए फॉर एग्रेसिव साउंड, ए फॉर अलार्मिंग साउंड, यानी कॉलिंग बिहेवियर। इसमें मेल है फीमेल है अपने अपोजिट सेक्स के पार्टनर को बुला रही है, कॉर्टशिप है ये प्रणय व्यवहार का है, कॉपुलेशन ये समागम के दौरान उत्पन्न होने वाली साउंड है, एग्रेशन ये चेतावनी देने वाला एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है आक्रामक व्यवहार, और अलार्म ये भी एक तरह की वार्निंग की साउंड है। तो पांच तरह की साउंड जो होती है वो क्रिकेट के अंदर हाउस क्रिकेट, जंगल क्रिकेट, बुश क्रिकेट है उसके अंदर ये प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा सेक्सुअल आइसोलेशन में भी इसका यूज है। हाँ, कई बार क्या होता है कि एक ही जाति के जो सदस्य होते हैं वो आइसोलेट हो जाते हैं, लैंगिक रूप से पृथक हो जाते हैं, मेल है वो अलग कॉलोनी में रह रहे हैं, फीमेल मेंबर है वो अलग जगह रह रहे हैं, तो दोनों को आइसोलेट करने में इस साउंड का प्रोड्यूस होता है। कई बार इन दोनों के एग्रीगेशन में भी इसका यूज होता है। तो आजकल ये आपने देखे होंगे घरों में चूहे भगाने की मशीनें आ रही हैं, मच्छरों भगाने की मशीनें आ रही हैं, तो इन मशीनों से क्या होता है अल्ट्रासाउंड निकलती है, वो अपने सुनाई नहीं देती है लेकिन इंसेक्ट को सुनाई देती है। और उस साउंड की वजह से क्या होता है कि घरों में जो इंसेक्ट होते हैं वो कॉकरोच हैं वो क्या है बाहर भाग जाते हैं, चूहे हैं बाहर भाग जाते हैं। तो ये सेपरेट करने के अंदर इसका ये यूज है। हाँ, इसके अलावा एग्रेसिव यानी आक्रामक व्यवहार। कई बार क्या होता है कि हर इंसेक्ट की अपनी अपनी टेरिटोरी होती है, अपनी अपनी कॉलोनी होती है, और उस टेरिटोरी में जब कोई दूसरे सदस्य इंट्रूड करते हैं, दूसरे सदस्य जब प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो उस समय ये आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और चेतावनी देने वाली जो ध्वनि है उसको ये उत्पन्न करते हैं। तो एग्रेसिव बिहेवियर में इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। और इसके अलावा संचार में कम्युनिकेशन, क्योंकि हर इंसेक्ट अब ये जो कम्युनिकेशन है ये ऑडिटरी कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ऑप्टिक कम्युनिकेशन भी हो सकता है, विजुअल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो एक इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट को ध्वनि के द्वारा संकेत है वो प्रेषित करता है। तो जिस तरह जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो है, एक तरह का ये अकॉस्टिक कम्युनिकेशन है। या आप
बनाए चित्र को आप आंखों से देख रहे हो, ये विजुअल कम्युनिकेशन है। तो इंसेक्ट के अंदर इस तरह का जो संचार की जो प्रणाली है काफ़ी विकसित होती है, और विशेषकर हनी बी के अंदर, जो हनी बी में तो बी लैंग्वेज पूरी रिसर्च हो चुकी है, जिसके लिए जर्मन के साइंटिस्ट हैं उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। तो ये एक नटसेल में आज का अपना व्याख्यान, और एक बार इसको मैं फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ बहुत ही शॉर्ट में। इंसेक्ट में जो साउंड प्रोडक्शन है उसको 5 विधियों के अंदर डिवाइड किया गया है। साउंड प्रोड्यूस बाय बॉडी एक्टिविटी, साउंड प्रोड्यूस बाय टैगिंग ऑफ बॉडी पार्ट अगेंस्ट ए सबस्टेटम, साउंड प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन मैकेनिज्म, साउंड प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, एंड साउंड प्रोड्यूस बाय पल्स्ड एयर स्ट्रीम। अब इसके अंदर बॉडी का कोई भी पार्ट किसी सतह के साथ जब टच में आएगा तो बॉडी एक्टिविटी के दौरान, फीडिंग के दौरान, क्लीनिंग के दौरान, कॉपुलेशन के दौरान इस तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है। सेकंड कैटेगरी में कोई इंसेक्ट जब जमीन के अंदर प्रवेश करता है तो उसका बॉडी का इंटीरियर पार्ट जमीन के टच में आता है, तो ये उसी तरह है जैसे मान लीजिए कोई पत्थर ऊपर छत से जैसे फर्श पे नीचे गिरता है तो धम से आवाज़ अपने को सुनाई देती है, उसी तरह की ये साउंड है। और फ्रिक्शन मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है, घर्षण होता है, घर्षण पंखों के बीच में हो सकता है, पंख और टांगों के बीच में हो सकता है, बॉडी के और किसी पार्ट के बीच में हो सकता है। तो फ्रिक्शन के द्वारा साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो इस विधि में है। और इसमें टिम्बल ऑर्गन डेवलप होता है जिसमें पतली क्यूटिकल एक तरह से पल्सेटाइल मेम्ब्रेन का, एक तरह से वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन का काम करती है। और पांचवी जो वैरायटी है वो एक तरह से विसल बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, उस तरह की ये विधि है। और इनका जो सिग्निफिकेंस है वो कॉर्टशिप में है, सेक्सुअल बिहेवियर में है, एग्रीगेशन में है, एग्रेशन में है, और कम्युनिकेशंस में है। तो ये आज का अपना व्याख्यान बहुत ही नटसेल में और एक शॉर्ट समरी के रूप में, और आशा है ये व्याख्यान आपके समझ में आया होगा। फिर भी कोई किसी तरह कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप निसंकोच आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली grateful to you. Have a good day. Have a great day. Thank you very much.